कृष्ण इसीलिए सभी अवतारों में अनूठे हैं, क्योंकि पूरे हैं। वहां ऊंचा से ऊंचा ज्ञान है, आसमान में गीता की उड़ान है, तो धरती के साथ लगाव भी है। कृष्ण जितने आसमान के हैं ठीक उतने ही मिट्टी के भी हैं। वहां यदि आपको वो सब मिलेगा जो आदमी के लिए असंभव लगता है, तो वहां वो सब भी आपको उतनी ही प्रचुरता से मिलेगा जो किसी भी आम आदमी के जीवन में लगातार मौजूद होता है। कृष्ण अति विशिष्ट भी हैं और अति साधारण भी, दोनों एक साथ हैं। हम गलती कर बैठते हैं कि हम विशिष्टता को साधारणता का विपरीत समझ लेते हैं। तो हमें जब सत्य की प्यास उठती है तो हम कहते हैं कि सत्य तो इतना विशिष्ट है कि वो सब कुछ जो साधारण है जीवन में उसे तो छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद गलतियों पे गलतियां होती हैं। कभी ये गलती होती है, कह देते हैं कि जो साधारण है छोड़ा तो जाएगा नहीं, तो सत्य की उत्कंठा ही त्याग दो। और कभी उससे बड़ी गलती ये कर बैठते हैं कि जो साधारण है उसको छोड़ने की कोशिश ही कर डालो। दोनों ही चूक हैं। आप कहें कि साधारण छोड़ा नहीं जाएगा तो फिर सत्य ही छोड़ दो, तो बेवकूफी है। और आप कहें कि नहीं सत्य बहुत प्यारा है, बुला रहा है, तो जो कुछ साधारण है उसे त्याग दो, ये और बड़ी। इसी विरोधाभास का नाम सच्ची आध्यात्मिकता है। ये विरोधाभास नहीं है, ये द्वैत की बात नहीं है। भगवत गीता और भागवत पुराण द्वैत के दो सिरे नहीं है, ये दिखते विपरीत हैं, एक है, बल्कि इनमें से एक दूसरे से उद्भूत हो रहा है। मात्र वो जो गीता का बोध रखता हो, मात्र वो ही बिना डरे बिना हिचके अनुभव में उतर पाएगा। जो गीता का प्रवर्तक है, सिर्फ उसमें इतना साहस हो सकता है कि वो संसार को पूरी तरह जिए। सिर्फ वो जो अच्छे से जानता है कि आत्मा ना आती है ना जाती है, और यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे बंधा जाए, जिसे पकड़ा जाए, सिर्फ वो ही अपने आप को पूरी तरह से बंधने के लिए प्रस्तुत कर सकता है। ये बात आपको विरोधाभासी लगेगी, कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी, पर इस बात को समझिएगा। हम तो पूरी तरह बंध भी नहीं पाते। कृष्ण को आपने रोते देखा, हम रो कहां पाते हैं? कृष्ण को आपने नाचते देखा, हम नाच कहां पाते हैं? वृंदावन में वही नाच सकता है जिसके हृदय में गीता पहले बैठी हुई हो। ये विरोधी बातें नहीं है। जब हृदय में सत्य बैठा होता है जो किसी से ना आकर्षित है, न विकर्षित है, न राग है, न द्वेष है, तब मन और शरीर बिना डर के अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं कि अब हम तैयार हैं रिश्तों में उतरने के लिए। हमें अब ये डर नहीं है कि रिश्ते हम पे हावी हो जाएंगे, और ना हमें ये लालच है कि हम रिश्तों से कुछ उगाह लें, कुछ पालें।
हम तो रिश्तों में भी पूरा कहां उतर पाते हैं, और उस पर दावा हमारा ये कि गीता मत पढ़ना नहीं तो रिश्ते टूट जाएंगे। यहां बहुत होता है, लोग आएंगे कहेंगे देखिए अभी तो हमारा बेटा मुश्किल से 25 का है, आपके आने लग गया है, ये बात कुछ ठीक नहीं है, आप उपनिषद पे वार्ता कर रहे थे, ऐसे तो वो संसार से ही विमुख हो जाएगा, दोस्त प्यार नहीं रखेगा, शादी ब्याह नहीं करेगा। ये हमारा ख्याल है आध्यात्मिकता के बारे में कि अगर सत्य जीवन में आ गया तो संसार हमसे छूट जाएगा। वस्तु स्थिति इसकी उल्टी है, जब सत्य जीवन में होता है सिर्फ तभी आप संसार में डूब सकते हो। सत्यनिष्ठ मन से संसार छूटता नहीं है, वो संसार में डूबता है, और सत्यहीन मन संसार में कहने को तो रहता है पर उखड़ा उखड़ा, डरा डरा, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो संसार में बैठ सके। उसके लिए संसार एक डरावना सपना होता है, उसके लिए संसार एक अनजानी अपरिचित जगह होती है जहां खतरा ही खतरा है। वो दूर दूर से छूता है, वो ठिठक ठिठक के कदम बढ़ाता है हमारी ही तरह। वो सड़क पर निकलता है तो ऐसे जैसे कि कोई आके लूट जाएगा, वो दफ्तर में होता है चाहे घर में होता है चाहे बाजार में होता है, उसको सदा आशंका बनी रहती है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। अभी कितनी मजेदार बात है, सत्य की ओर हम इसलिए नहीं बढ़ते कि संसार छूट ना जाए, और आपसे पूछा जाए कि तुम ये बताओ कि संसार तुम्हें मिला कब था जो छूटेगा। छूटने का सवाल तो तब पैदा होता है जब तुम्हें मिला हो। तुम्हें मिला है कि छूट जाएगा, डर के मारे आते नहीं हो। एक ही डर है तुमको कि पता नहीं क्या हमसे छिन जाएगा, तुम्हारे पास है क्या कि छिन जाएगा। जैसे कोई खड़ा हो भिक्षा पात्र लेके, भिखारी, और उसको तनाव हो रहा है और उसका रक्तचाप बढ़ रहा है, आज लुट ना जाऊं। संसार तुम्हें मिला है कि तुम लुटोगे, तुम्हारे पास है क्या छीनने लायक जो कोई छीन लेगा। लेकिन नहीं, गीता से डर लगता है, ग्रंथों से डर लगता है, कबीर और नानक से डर लगता है, कृष्णमूर्ति रूखे लगते हैं सब। क्यों? क्यों कि इनके पास गए तो दुनिया छिन जाएगी। कौन सी दुनिया? जो हमें कभी मिली ही नहीं, वो छिन जाएगी। कृष्ण के इन दोनों रूपों को एक जानिएगा। कृष्ण गीता में अर्जुन से जो कह पाते हैं, युद्ध के मैदान पर वो अडिग रह पाते हैं, तो इसीलिए, क्योंकि राधा के सामने नतमस्तक है। परम योद्धा है कृष्ण, लड़ पाते हैं, दृढ़ रह पाते हैं, तो इसीलिए, क्योंकि रो भी पाते हैं। चट्टान की तरह है कृष्ण, इसीलिए क्योंकि बहुत नर्म है, बहुत मुलायम है, मां से ठिठोली करते हैं। गोकुल छोड़ने के बाद कहानी कहती है, कहानी आई है लेकिन बताती हैं कुछ, कहानी कहती है कि एक बार और मिले थे राधा से, तब बहुत आगे बढ़ चुके थे, 8 पत्नियां, 8 भार्या हो चुकी थी। मुलाकात होती है राधा से उनकी द्वारका में,
या कुरुक्षेत्र। और न कृष्ण एक शब्द बोलते हैं न राधा, और बस आंसुओं की धार है। और ये वो कृष्ण है जो अर्जुन से कह रहे थे कि उठा गांडीव और मार, सामने भले तेरे परिजन हो पर मार। इन दोनों बातों को अलग अलग मत देखिएगा। लाओत्ज़ू ने पानी को पत्थर से ज्यादा बलि बताया है। कृष्ण पूरे इसीलिए हैं क्योंकि वो पानी और पत्थर एक साथ है। कभी वहां आंसू की धार है, बह रहा है पानी, और कभी वो वज्र है। ऐसा लगता है जैसे भावहीन हो। भीम को इशारा दे रहे हैं कि खत्म कर दो दुर्योधन को, भले ही नियमों का उल्लंघन होता है लेकिन मारो। फिर चाहे द्रोण हो कि भीष्म हो कि जयद्रथ हो, क्या फर्क पड़ता है, किसको परवाह है नैतिकता की। युद्ध किसी भी कीमत में जीता जाना चाहिए। क्या अंतर पड़ता है कि कर्ण बुआ का ही लड़का है, अभी उसका पहिया फंसा हुआ है, अर्जुन यही मौका है मार दे। और ये वो कृष्ण है जो जरा से मक्खन के लिए मिट्टी में लोटपोट हुए जा रहे हैं, और कोई नहीं दे रहा तो उसका आंचल खींच रहे हैं, पांव पकड़ रहे हैं। एक ही कृष्ण है, इनको दो मत समझिएगा। क्योंकि उन्हें आता है मिट्टी में लोटना, क्योंकि उन्हें आता है रूठना, मनाना, ठिठोली करना, मनोहार करना, इसीलिए उन्हें आता है युद्ध जीतना। जिसे मिट्टी में लोटना नहीं आता वो कभी आकाश की उड़ान भी नहीं भर पाएगा। हमारी विडंबना यह है कि हम आकाश और धरती को अलग अलग देखते हैं, विभाजन कर देते हैं।